पहले 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड और उसके बाद 31 जनवरी 2024 की बजट सत्र की पहले दिन की एंट्री, इन दोनों ही मौकों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सवारी पर पूरे देश की निगाहें थी और यह सवारी थी एक शानदार बग्घी। पिछले कई सालों से देश के राष्ट्रपति एक बुलेट प्रूफ बीएमडब्ल्यू कार में सवारी कर रहे थे, लेकिन काफी सालों के बाद इस शानदार बग्घी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बग्घी का इतिहास क्या है? क्या आप जानते हैं ये बग्घी आखिर है किसकी? क्यों देश के राष्ट्रपति इसी बग्घी में सफर करते आए हैं और कैसे भारत के आजाद होने के बाद ये बग्घी हमें मिल गई? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम तलाशेंगे इन सभी सवालों के जवाब और जानेंगे कि ये बग्घी आखिर इतनी खास है क्यों। दरअसल 1950 में देश के पहले रिपब्लिक डे परेड पर इस बग्घी का इस्तेमाल किया गया था। उस समय देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी बग्घी में सवार होकर रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए थे। इसके बाद 1984 तक राष्ट्रपति का इसी तरह से बग्घी में बैठकर आना जाना चलता रहा। लेकिन 1984 में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी, तो राष्ट्रपति की सुरक्षा बढ़ाने की वजह से इस बग्घी की जगह हाई सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ कार को राष्ट्रपति के काफिले में जोड़ दिया गया। अब बात कर लेते हैं इस बग्घी के इतिहास की। दरअसल ये बग्घी ब्रिटिश काल की है। उन दिनों देश के वॉइसरॉय इसी बग्घी में सवारी किया करते थे। इस बग्घी पर सोने की रिंग्स लगी हैं और इसे घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। 1947 में जब देश आजाद हुआ और देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, तो गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड, जिन्हें अब राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स कहा जाता है, इनका 2:1 का रेशियो भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। लेकिन जब बात इस बग्घी की आई तो दोनों ही देश, यानी भारत और पाकिस्तान, इस बग्घी पर अपना अधिकार जताने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दावे का फैसला आखिर कैसे किया गया? इस दावे का फैसला हुआ एक टॉस से। जी हाँ, ब्रिटिश काल की वॉइसरॉय की ये बग्घी आखिर किसको मिलेगी, हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को, इसका फैसला एक टॉस से किया गया। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड रेजिमेंट के पहले कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तानी सेना के साहबजादा याकूब खान के बीच इस बग्घी को लेकर टॉस हुआ और इस तरह से ये बग्घी भारत को मिल गई। राष्ट्रपति के बुलेट प्रूफ गाड़ी में आने की रीत को साल 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बदल दिया। 3 दशकों के बाद वे इसी बग्घी में बैठकर 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग रिट्रीट में शामिल हुए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बाद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भी इसी बग्घी का इस्तेमाल औपचारिक तौर पर जारी रखा। राष्ट्रपति कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति की शपथ लेने के लिए कार छोड़कर राष्ट्रपति भवन से संसद तक इसी बग्घी की सवारी की। उस समय रामनाथ कोविंद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ इसी बग्घी में बैठे थे और फिर रामनाथ कोविंद के शपथ लेने के बाद बग्घी में दोनों की जगह बदल गई। लौटते समय प्रणब मुखर्जी दाईं तरफ और रामनाथ कोविंद बाईं तरफ बैठे और 40 सालों के बाद ये बग्घी रिपब्लिक डे परेड में, यानी कर्तव्य पथ पर नजर आई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो देखा आपने, ब्रिटिश काल की ये बग्घी आखिर भारत के इतिहास के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कैसे इस बग्घी का फैसला एक टॉस से हुआ और ये बग्घी हमारे खाते में आ गई। भारत के इतिहास और कल्चर से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।